नमस्कार, मैं हूं शिखर दीप और आप देख रहे हैं GBN24। पलवल विधानसभा से भाजपा के वरिष्ठ नेता और HPSC आयोग के पूर्व सदस्य डॉक्टर हरेंद्र पाल राणा से विधानसभा चुनाव को लेकर खास बातचीत की हमारे संवाददाता दिनेश कुमार ने। तो देखिए क्या खास बातचीत हुई दोनों के बीच। GBN24 डिजिटल न्यूज चैनल पर आज हमारे साथ हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता और HPSC आयोग के पूर्व सदस्य हरेंद्र पाल राणा। डॉक्टर साहब, स्वागत करते हैं हम चैनल पर। डॉक्टर साहब, क्या कहोगे, किस तरह की जो आज की राजनीति की बात करें, पलवल विधानसभा में आप दावेदारी कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और बात करें आपने पिछले लंबे समय से कांग्रेस से भी जुड़े रहे हैं, तो क्या कहना चाहोगे? कांग्रेस में पहले आप कौन कौन से पदों पर रहे, कहाँ कहाँ आपने कार्य किया, कई राज्यों के ऑब्जर्वर बनाए गए चुनावों में, आप क्या कहना चाहोगे? देखिये, मैंने जो अपना राजनीतिक जीवन था वो NSCI से शुरू किया था। जो प्रदेश की NSCI की कार्यकारिणी थी उसका मैं सेक्रेटरी रहा, उसके बाद हरियाणा युवक कांग्रेस का 8 साल तक मैं महासचिव रहा, या नगर पालिका पलवल में 2 बार पार्षद रहा, मार्केट कमेटी पलवल का 2 बार चेयरमैन रहा और कांग्रेस पार्टी का मैं 3 बार यहाँ पर जिलाध्यक्ष रहा। कांग्रेस पार्टी ने विभिन्न राज्यों में मुझे पर्यवेक्षक बनाकर भेजा, चाहे वह कर्नाटक था, बिहार था, दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, और जो ऑब्जर्वर भी था मैं वो भी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने भेजा था। उसके बाद मैं हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का सदस्य रहा, वो एक बहुत महत्वपूर्ण पद था। और उसके बाद जो है मैंने BJP को 2019 में ज्वाइन किया था, तो 2019 में ज्वाइन करने के बाद BJP ने मुझे कई दायित्व दिए, जिला स्तर पर मैंने कई दायित्वों का निर्वहन किया। उसके अलावा मैं भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य हूं। अभी हाल में जो राजस्थान विधानसभा का चुनाव हुआ तो भाजपा पार्टी ने मुझे वहां की एक विधानसभा का प्रभारी बनाकर भेजा था। मैं वहां अजमेर जिले की मसूदा विधानसभा का और भाजपा पार्टी की तरफ से प्रभारी था और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि जो भाजपा के प्रत्याशी थे यहाँ पे वहां पर वो 26,775 वोटों से वो जीते थे। तो पार्टी ने जो भी दायित्व दिया है उन दायित्वों का मैंने बखूबी से निर्वहन किया है। अब लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक है, अब सभी ने तैयारी कर दी, आप भी दावेदारी कर रहे हैं, तो किस तरह से देखते हैं हरियाणा विधानसभा में क्या पोजिशन रहने वाली है जो है भाजपा की, और पलवल से क्या जो नतीजे रहने वाले हैं? जिस तरह से बात करें जो लोकसभा चुनाव में पलवल विधानसभा की बात करें तो लगभग 25,000 ज्यादा वोटों से भाजपा जीती थी इस विधानसभा से। देखिए, जिस तरीके से भाजपा ने तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाई है मोदी जी के नेतृत्व में, निश्चित तौर पर मैं बिल्कुल यकीनन कह सकता हूं कि जो सरकार ने हरियाणा के अंदर बढ़िया काम किए उन बढ़िया कामों की बदौलत हरियाणा में भी भाजपा तीसरी बार यहाँ सरकार बनाने जा रही है। बात करें आपकी दावेदारी की, भाजपा में दावेदार बहुत हैं, जो टिकट की बात करें तो मौजूदा विधायक हैं दीपक मंगला जी, उसके बाद आप हैं जैसे डॉक्टर ठाकुर की बात करें हरेंद्र पाल राणा जी, अलग अलग रूपाल दीक्षित भी हैं और राजीव कत्याल भी हैं, तो मतलब की अलग अलग संजय गुर्जर हैं, तो किस तरह से अपनी दावेदारी मजबूत मानते हो आप? देखिए, मैं तो हमें पता चला कि सीएम से भी काफी करीब हैं, सीएम आ भी चुके हैं आपके यहाँ पहले। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे भाजपा में जितने भी साथी हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं वो सभी दावेदार हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे भाजपा के जितने भी साथी हैं वो बहुत ही गुणी व्यक्तित्व के मालिक हैं, परंतु जहां तक मेरी बात है मैं अपनी बात ये कहना चाहता हूँ कि मैंने 2 पोस्ट ग्रेजुएशन किए, बिजनेस मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन किया हुआ है मैंने, उसके बाद मैंने जो है सोशल वर्क में मैं पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, उसके बाद मैंने PhD भी की हुई है। तो यकीनन जितने भी यहाँ पर प्रत्याशी जो गुणी व्यक्तित्व के मालिक हैं वो मांग रहे, टिकट की मांग कर रहे हैं, मैं ये कह सकता हूँ कि उन सब में सबसे ज्यादा शिक्षित हूं मैं, और मुझे राजनीतिक अनुभव के साथ साथ प्रशासनिक अनुभव भी है। राजनीतिक अनुभव यूं कि मैंने जैसा कि अभी बताया कि राजनीति की फील्ड में मैं पिछले
27 28 साल से मैं बड़े सक्रियता से काम कर रहा हूँ और वहां पर बड़े अच्छे दायित्वों का निर्वहन मैंने किया है। और जहां तक प्रशासनिक अनुभव की बात है, मैं 2 बार पार्षद रहा, 2 बार मैं मार्केट कमेटी का चेयरमैन रहा, उसके बाद हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का भी मैं मेंबर रहा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि शायद मैं ही ऐसा व्यक्ति हूँ जिसके पास राजनीतिक अनुभव भी है और प्रशासनिक अनुभव भी है, और इन दायित्वों का मैंने जो निर्वहन किया वो बड़े अच्छे तरीके से किया है, और उन दायित्वों का जो निर्वहन किया वो जनहित में किया है। महाराणा प्रताप भवन के जो फाउंडर मेंबर भी हैं आप, तो किस तरह से आप मजबूत स्थिति किस तरह से देखते हैं? मैं ये भी क्योंकि जिस तरह से मंगला जी हैं, अक्सर आरोप लगता है भाजपा के विधायकों पर कि जो उनके अधिकारी सुनते नहीं है, ग्रीवेंस की मीटिंग में इस तरह की तमाम बातें आती हैं, अगर आपको मौका मिला तो किस तरह से काम करेंगे? मैं ये भी बताना चाहता हूं कि सामाजिक दायित्व के निर्वहन में मैंने यहाँ हमारी एक संस्था है श्री सीताराम सेवा ट्रस्ट, उसके अधीन हम यहाँ पर हमने 2 एकड़ जमीन में महाराणा प्रताप भवन भी बनाया हुआ है। और वो महाराणा प्रताप भवन जो बनाया है वो जनसेवा का एक साधन है और वो एक कम्युनिटी सेंटर है। समाज का कोई भी वर्ग उसको सिर्फ 21,000 रुपए में 24 घंटे के लिए ले सकता है। और इसके अलावा मैंने सामाजिक प्रकल्पों में भी बड़े यहाँ पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। जहां तक आप बात कह रहे हैं सरकार की, दीपक मंगला जी का नाम आपने लिया, देखिए वो हमारे विधायक हैं और मैं ये मानता हूं कि भाजपा सरकार ने और उन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छे काम किए हैं, और निश्चित तौर पर ये जो आने वाला चुनाव है इसमें जो सरकार ने काम किए हैं उनका लाभ हमारे को चुनाव में निश्चित तौर पर मिलेगा। कांग्रेस को कितना मुकाबला मानते हो? देखिए कांग्रेस से तो कुछ मुझे मुकाबला नजर ही नहीं आता, नजर यूं नहीं आता। जहां तक कांग्रेस संगठन की बात और भाजपा के संगठन की अगर हम तुलनात्मक बात करें, कांग्रेस का संगठन 2014 फरवरी के बाद है ही नहीं, यानी कि 10 साल के लगभग हो गए, ना तो वहां पर जिलाध्यक्ष हैं और ना ही वहां पर ब्लॉक के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। और दूसरी तरफ मैं भाजपा के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि जो यहाँ संगठन की संरचना है इससे बेहतर संरचना हो ही नहीं सकती। आज हमारे पास पन्ना प्रमुख है, पन्ना समिति है, उसके बाद हमारे पास पालक है, उसके बाद हमारे पास शक्ति केंद्र है, बूथ के अध्यक्ष है, उसके पास मंडल के अध्यक्ष है और जिला के अध्यक्ष है। तो संरचना जो संगठन भाजपा की है वो कांग्रेस से बहुत बेहतर। संगठन में जिम्मेदारी आपने ज्यादा दी रखी है, लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जी वो कहते हैं उनके पन्ना प्रमुख कहाँ दिखाई दिए, 5 सीटों पर ये जीते, 5 पे हम जीते, जबकि 46 विधानसभा पे कांग्रेस जीती। नहीं देखिये संगठन बिना संगठन के भी हमारा काम अच्छा चल रहा है। देखिये पार्लियामेंट की एक अलग बात थी, पार्लियामेंट के मुद्दे अलग थे और जो असेंबली का चुनाव होने जा रहा है इसके मुद्दे अलग है। वो बहुत बड़ा चुनाव था, 24-25 लाख वोटों का चुनाव था, ये 2-2.5 लाख वोटों का चुनाव रहेगा एक विधानसभा में। यहाँ बिना संगठन के, बिना हमारे समर्पित कार्यकर्ताओं के ये संभव हो ही नहीं सकता। कि लास्ट सवाल, यदि पार्टी ने मौका नहीं दिया तो क्या हरिंदर पाल जी किसी दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं या निर्दलीय दावेदारी ठोक सकते हैं या पार्टी में ही संगठन में काम करेंगे? देखिए पार्टी ने अगर मौका मुझे दिया तो निश्चित तौर पर मेरे दिमाग में बहुत सारे प्लान है जिनको मैं एग्जीक्यूट करना चाहूंगा, चाहे वो युवाओं को लेकर हो, चाहे महिलाओं को लेकर हो, चाहे रोजगार के बारे में हो। अगर पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया तो मैं भाजपा पार्टी का एक समर्पित सिपाही होने के नाते संगठन में ही रहूंगा और जिस किसी को भी भाजपा पार्टी टिकट देगी उसके लिए काम करूंगा। ऐसा तो पिछली बार तो ऐसा देखा जा रहा था कि भाजपा ने नारा दिया था 75 पार का, विपक्षी पार्टियों के नेता भाजपा में शामिल हो गए थे और जब मंगला जी को टिकट मिली तो सारे एक साथ हो गए थे। ऐसा तो नहीं है अब की बार कि भाई जिस तरह से मुकाबला देखा जा रहा है कांग्रेस और भाजपा के बीच, यदि पार्टी में एक को टिकट मिलती है दूसरे को नहीं मिलती तो क्या बगावत हो सकती है? नहीं होगी, मुझे नहीं लगता। क्योंकि आपने तो कह दिया हम संगठन में काम करेंगे, दूसरे ऐसे हैं कुछ प्रत्याशी वो जा सकते हैं छोड़ के? मुझे नहीं लगता। सब लोगों ने बड़े मेहनत करके अपना स्थान भाजपा में बनाया है और भाजपा को छोड़कर हमारा कोई भी कार्यकर्ता नहीं जाएगा। और क्या कहना चाहोगे अपने पलवल के बारे में? लास्ट सवाल। देखिए पलवल में इस भाजपा सरकार में
बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं जिनको उपलब्धि के तौर पर गिनाया जा सकता है, और बहुत से ऐसे काम हैं जिनको भी करने की जरूरत है। तो मैं निश्चित तौर पर यह बात कहना चाहता हूं कि पलवल में जो विकास काम पिछली बार हुए, मैं ये कहना चाहता हूं कि पलवल की जो कनेक्टिविटी है इस समय, उत्तर भारत का पलवल एक ऐसा शहर है जिसकी सबसे ज्यादा जबरदस्त कनेक्टिविटी बनी हुई है। हम जीटी रोड पर ऑलरेडी हैं, केएमपी केजीपी हमारे यहाँ से शुरू होता है, बॉम्बे बड़ौदरा बिल्कुल हमारे पास यही है, अब बल्लमगढ़ से पलवल के मेट्रो के लिए डीपीआर उसकी भी तैयार हो रही है, उसके अलावा पलवल से हम जो है जेवर एयरपोर्ट के लिए हमारा सीधा होने जा रहा है। क्या इन विकास की बातों पर जनता वोट करेगी? बिल्कुल, राजनीतिक दल जो काम करते हैं फील्ड में वो जनता के जनहित के लिए काम करते हैं, और जनता इस बात को देखती है कि किस दल ने बढ़िया काम किया और जनहित में काम किया, तो उसको जनता दोबारा से लाना चाहती है। हाँ, जीबीएन 24 से बात करने के लिए आपको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर हरिंदर पाल जो है वरिष्ठ नेता है भाजपा के और एचपीएससी आयोग के सदस्य भी रहे हैं, और लंबे समय तक इन्होंने राजनीति कांग्रेस में की, और पिछले लंबे समय से भाजपा में वो दावेदारी कर रहे हैं, पलवल विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहते हैं, भाजपा की टिकट पर ही लड़ना चाहते हैं और लोगों के बीच जा रहे हैं। इनका कहना है कि निश्चित तौर पर हरियाणा में भाजपा की सरकार बनेगी और पलवल विधानसभा भी भाजपा ही जीतेगी, टिकट मिले या न मिले समर्पित कार्यकर्ता के तौर पर वो कहीं ना कहीं संगठन के लिए काम करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं। पलवल से दिनेश कुमार, जीबीएन 24। अभी के लिए बस इतना ही, ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें जीबीएन 24।